सीटेट के फॉर्म फिलअप होने की डेट हो गई खत्म, अब आ गया भैया कि करेक्शन, गलतियां हो गई हैं मुझसे यार, मैंने नाम गलत कर दिया, मम्मी का नाम गलत, पापा का नाम गलत। पहले क्या होता था कि हम लोग नाम गलत कर देते तो करेक्शन नहीं होता था, मार्कशीट में वही आ जाता। मेरे एक दोस्त ने क्या करा था, उसकी मम्मी का जो नाम था वो डिस्टर्ब हो गया, मार्कशीट में वही छप के आ गया, और CBSE कोई ऑप्शन नहीं देती है कि ये इसका सुधार किया जाए, सीधा ऑप्शन ये रहता है कि अगली साल फिर से आपको सीटेट देना होगा। ठीक है, तो ये समस्या हो जाती थी यार, मतलब क्या ये थोड़ी ना बात हुई, कुछ बच्चों को समस्या रहती। मैंने ये लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत डाल ली, लेकिन अब सोच रहे कि इंग्लिश, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये सेंटर गलत पड़ गया कि मेरा सेंटर कहाँ था, मैंने जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप पूरे थे, प्रेशर था यार, जल्दी भरो, सीटें खत्म हो रही है, तो मैंने सेंटर गलत डाल दिया, तो उसका भी सुधार कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्शन की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, सीटेट ने क्या इसका नोटिफिकेशन दिया है, ये आपको हम बताते हैं। देखो 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन होना। ठीक है, 28 नवंबर डेट याद रख लो, या सोमवार का दिन है, शंकर जी का दिन है, तो आराम से पूजा करके उसकी करेक्शन करना। और ये चलेगी कब तक, 3 दिसंबर तक, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 31 होगा तो ठीक है, नहीं तो 30 तक ही रहेगी, तो 3 दिसंबर तक चलेगी, करीब करीब एक हफ्ते का समय है आपके पास। ठीक है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। अब पूछोगे भैया करेक्शन का क्या चार्ज लगेगा, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा गया कि पैसे लगेंगे, नहीं, फ्री में भी आपका करेक्शन हो जाएगा। जैसे UP SSSC पैट में फॉर्म सबमिट होने के बाद होता है, ऐसा ही इस बार ऑप्शन मिलेगा आपको करेक्शन का। तो ध्यान रखें, आपका करेक्शन हो जाएगा। आपने भी कुछ मिस्टेक करी है या कुछ और कोई भी जानना चाहते हैं, एग्जाम डेट कब है भी जानना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट करें, कॉमेंट, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बारे में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके निकल लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ इसी तरह के ज्ञान के साथ, तब तक के लिए।